बालोद जिले के गुंडरदेही से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां दुकान बंद कराने का गंदा तरीका सामने आया है। यहां दुकान बंद कराने को लेकर व्यापारियों पर डंडे बरसाए गए हैं। आज बालोद जिले में एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद भी कुछ व्यापारियों द्वारा दुकान खोली रखी गई थी, जिसे बंद कराने के नाम पर दबंगों ने बीच शहर गुंडागर्दी का गंदा खेल खेला है। मामले में अभी प्रशासन कुछ भी कहने से बाल बाल बचते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाटेश्वर धाम में हुए विवाद के बाद आज समाज के लोगों के द्वारा बालोद बंद का आह्वान किया गया था। इस संबंध में पहले कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसके बाद भी यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग रेंज IG बद्रीनाथ मीणा मामले का संज्ञान ले रहे हैं। संभावना जताई गई है कि जल्द ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ताजा एवं अपडेट खबरों के लिए बने रहे TCP 24 न्यूज के साथ।